हेलो एवरीवन वेलकम टू एंथ्रोवर्ड एजुकेशन सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक इंडिजिनस एंड एक्सोजनियस प्रोसेसेस ऑफ सोशियो कल्चरल चेंज इन द इंडियन सोसाइटी और यह एंथ्रोपोलॉजी पेपर टू का टॉपिक नंबर 5.3 है तो इस टॉपिक अंडर चार सब टॉपिक्स हैं और आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे संस्कृटाइजेशन वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को और जो रेस्ट ऑफ द थ्री सब टॉपिक्स हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे सबसे पहले देखते हैं संस्क्रटाइजेशन क्या होता है तो ये कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिया गया था उनकी बुक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ द साउथ इंडिया जो कि नाइनटीन में पब्लिस हुई थी जो संस्क्रिटाइजेशन का रेफरेंस होता है वो प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज से होता है और ये प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज क्या होता है कि एक डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है सेट प्रैक्टिस का बिलीव्स का बिहेवियर्स का विद इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी ओवर द टाइम सो वी कैन से दैट प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज इज़ अ डायनेमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेट प्रैक्टिस बिलीव्स एंड बिहेवियर विद इन अ कम्युनिटी और सोसाइटी ओवर द टाइम यहाँ पे मॉडल ऑफ कल्चरल चेंज को देखा जा सकता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सन्स्कटाइजेशन में कि यहाँ पे कल्चरल चेंज देखने को मिलता है और यह जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकल्चरेशन के अंडर में आता है अब अकल्चरेशन क्या होता है कि दिस अ बैलेंस बिटवीन द चेंजिंग एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर्स एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द डोमिनेंट ग्रुप एंड रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कल्चरल वैल्यूज बिलीप्स एंड द ट्रेडिशंस तो ये जो कॉन्सेप्ट है संस्क्रिटाइजेशन का या जनरल प्रिंसिपल ऑफ अकलचरेशन के के अंडर में आता है अब हम देखते हैं कि सेंसक्रटाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है तो एक प्रोसेस होता है जिससे कि जो लोअर कास्ट होते हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं जो कास्ट सिस्टम में सबसे लोवेस्ट कास्ट है ये बेसिकली सुधरा से रिलेटेड ही है तो जो लोअर कास्ट हैं वो डोमिनेंट कास्ट में इम्यूलेट्स होते हैं मीन्स उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं या उस डोमिनेंट कास्ट को कॉपी करने की कोशिश करते हैं और ये जो डोमिनेंट कास्ट है ये प्रेफरली अ द्विजा जो टॉइस बॉर्न आपने एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा द्विजा का कॉन्सेप्ट जिसमें कि वर्णा सिस्टम के जो चार कास्ट होते हैं उसमें से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यास जो हैं इनको द्विजा पोजीशन में रखा जाता है तो इस तरीके से लोअर कास्ट जो है वो हायर सोशल स्टेटस के लिए डोमिनेंट कास्ट में इमिलिट्स होता है और यहाँ पे नए कस्टम्स और हैबिट्स को फॉलो किया जाता है और इसके थ्रू जो है जो संस्कृत लिटरेचर है उसके जो भी नए आइडियाज़ या वैल्यूज़ हैं उसको भी एक्सपोजर किया जाता है तो ये कॉन्सेप्ट सन्स्कटाइजेशन का था तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो लो हिंदू कास्ट है या ट्राइबल है या अदर ग्रुप है जिसके पास लोअर स्टेटस है वह अपने कस्टम्स रिचुअल्स आइडियोलॉजी और वे ऑफ लाइफ को चेंज करता है इन द डायरेक्शन ऑफ ए हाई एंड फ्रीक्वेंटली ट्वाइस बॉर्न कास्ट दैट इज़ अ द्विजा तो इस तरीके से लोअर कास्ट जो है हायर कास्ट के रिचुअल्स कस्टम्स आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता है उसमें कन्वर्ट होने की कोशिश करता है तो इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है सन्स्क्रटाइजेशन अब हम प्रमाइज देखेंगे सन्स्क्रटाइजेशन के तो जो सन्स्क्रटाइजेशन है यह सोशल चेंज को प्राइमरली एक्सप्लेन करता है कल्चरल टर्म्स में यह एक कल्चरल फॉर्म होता है ना कि स्ट्रक्चरल फॉर्म होता है और इस तरीके से जो है हमें एक पोजिशनल चेंज देखने को मिलता है ना कि स्ट्रक्चरल चेंज तो जो भी कास्ट सिस्टम का एक कॉन्सेप्ट बनाया गया है उसके कल्चर से रिलेटेड ये चेंजेस होते हैं ना कि उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई चेंज होता है तो यह सिर्फ एक पोजिशनल चेंज होता है स्ट्रक्चरल चेंज नहीं होता है यहाँ पे पर्टिकुलर इंडिविजुअल का मोबिलाइजेशन नहीं होता है बल्कि यह एक ग्रुप या फिर कलेक्टिव मोबिलिटी होती है यहाँ पे इंटायर कास्ट या जो भी मेजॉरिटी ऑफ कास्ट के लोग हैं वो इसको फॉलो करते हैं अब जो कास्ट पंचायत हैं वो इसको डिस्करेज करती हैं क्यों क्योंकि लोअर कास्ट के लोग जब अपर कास्ट की तरफ जाएंगे तो यह एक तरीके से वॉलेसन ऑफ कास्ट सिस्टम हो जाता है इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे तो जैसे कि चमारसा यूपी में यह एक टू वे प्रोसेस होता है टू वे प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ऐसा नहीं कि लोअर कास्ट जो है वो अपने कल्चरल एलिमेंट्स को एक हायर कास्ट से जो है वो लेता है बल्कि उसके बदले में वो हायर कास्ट को भी कुछ अपने कल्चरल एक्सचेंजेस या कल्चरल वैल्यूज़ या कल्चरल बिल्फ कस्टम्स को ट्रांसफ़र करता है तो इस तरीके से लेन देन दोनों तरफ से होता है हायर कास्ट की तरफ से होता है और लोअर कास्ट की तरफ से भी होता है जो सन्स्क्रटाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये एग्जैक्ट गारंटी नहीं देता है कि आप जो है अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी ही होगी ये हो सकता है कि ऐसा ना भी हो कि अपवर्ड की सन्स्कटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट जहाँ पर होगा वहाँ पे अपवर्ड कास्ट मोबिलिटी ही देखने को मिले ये हो भी सकता है ये नहीं भी हो सकता है एम एन श्रीनिवास का क्लेम था कि जो अनटचड हैं वो कभी भी जो सुधराज का कॉन्सेप्ट दिया गया था उनके लिए उसको क्रॉस कर पाए मीन्स वो सुधरास ही रहे इवन आफ्टर अडॉप्टिंग द संस्क्राइजेशन और वो हायर कास्ट की तरफ मूव नहीं हो पाए और इसका सेम एग्ज़ाम्पल हमें देखने को मिलता है शमाजिन यूपी अब सन्स्कटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है यह एक ऑन द स्पॉट इवेंट नहीं होता है यह एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है और यह टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है इसके लिए दो तीन साल बीस तीस साल की बात नहीं होती यहाँ पे दो से तीन जनरेशन्स लग जाती हैं इसको फुलफ़िल करने के लिए और इसके रिज़ल्ट के थ्रू सोशल टेंशन भी देखने को मिलती है और लोकल एरियाज में वायलेंस देखने को भी मिलता है अगर एग्जाम्पल देखा जाए राजस्थान में हॉर्स राइडिंग का कॉन्सेप्ट है ड्यूरिंग द मैरिज और इसके लिए जो लोअर कास्ट के लोग हैं वो अलाउ नहीं है अब ये जो एक प्रैक्टिस है ये हायर कास्ट के लिए है लेकिन जब भी लोअर कास्ट इस प्रैक्टिस को फॉलो करता है तो इसके थ्रू जो है वॉयलेंस या कॉन्फ्लिक्ट जो है सोसाइटी में देखने को मिलती है कि ये रिचुअल्स ये जो प्रैक्टिस है ये सिर्फ जो है हायर कास्ट के लिए है या लोअर कास्ट के लिए नहीं है इस प्रैक्टिस को फॉलो करना इज़ इट इज़ अ काइंड ऑफ सेंस्क्रटाइजेशन तो ये है सेंस्क्रटाइजेशन अब हम इसके लिए फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं सेंस्क्रटाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल तो एम एन श्रीनिवास के हिसाब से दो मेन फैक्टर हैं पहला है वेल्थ धन अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि जो नूनिया ऑफ उत्तर प्रदेश हैं वो इनिशियली सॉल्ट मेकर्स थे ब्रिटिश रूल में इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स लिया बहुत सारे पब्लिक वर्क्स के लिए और इस तरीके से उनके वेल्थ में जो है वो इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला फिर विलियम रो बोलते हैं कि इन्होंने नोनिया ऑफ सेनापुर विलेज का स्टडी किया और उन्होंने ये पाया कि जो लोकल कास्ट रैंकिंग है वह इनकी बढ़ चुकी है जो कास्ट पहले एक नियर अनटचेबल कास्ट था अब वह अपर सुदरा कैटेगरी में आ गया है ये मीन्स कि संस्कटाइजेशन के थ्रू इनके स्टेटस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है कि जो कास्ट पहले नियर अनटचेबल थी वो अब अपर सुदरा कैटेगरी में आ चुकी है सेकेंड है पोलिटिकल पावर और पेट्रॉनिस्स की वजह से जैसे मराठास की बात करेंगे तो ये ट्रेडिशनली जो है वो सुधरा थे अब शिवाजी ने जो है वो मुगल रूल को ओवरथ्रो किया और फिर उन्होंने अपना हिंदू किंगडम स्टेब्लिश किया तो इस तरीके से ये लोग हुड में ट्रांसफॉर्म हो गए फॉलोइंग द रिलीजियस राइट्स तो ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है संस्क्रटाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंस क्या है सन्स्कटाइजेशन का तो डेविड मैंडलबॉम ने बताया कि जो सन्स्कटाइजेशन है ये एक काइंड ऑफ सेफ्टी वॉल्व होता है कास्ट सिस्टम के लिए थेटिकली जो है कास्ट सिस्टम रिजिड है ड्यू टू द एस्क्राइब्ड स्टेटस ऑफ कास्ट लेकिन यहाँ पे लोअर कास्ट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है टू स्किप देयर डिप्रावेशन एक्सेप्ट फ्राम वॉकिंग आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम कि सेंस्कटाइजेशन के थ्रू कि यहाँ पे लोअर कास्ट के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है कि वो डिप्रावेशन से बच सकें अनटिल की वो या तो कास्ट सिस्टम को ही वो त्याग दें वो कास्ट सिस्टम के कॉन्सेप्ट से ही वो बाहर आ जाए लेकिन सेंस्कटाइजेशन जो है वो प्रिवेंट करता है बाई प्रोवाइडिंग a रे ऑफ होप यहाँ पे एक उम्मीद की किरण देखने को मिलती है संस्क्रटाइजेशन के थ्रू और यह अपवॉर्ड मोबिलिटी को प्रोवाइड कराता है तो यह है इंपॉर्टेंस संस्क्रटाइजेशन का नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ केस स्टडीज़ हालांकि इसमें से हमने प्रीवियसली भी देख लिया है कि बीसी विलेज है उड़ीसा में ये जो कास्ट है यह लीकर बनाती थी जब इंडिपेंडेंस मिल गई तो उसके बाद लीकर मैनुफैक्चरिंग के लिए इनको लाइसेंस दिया गया और इस तरीके से इन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ कमाया और ये बहुत ज़्यादा धनी हो गए और इसके वजह से इनका जो सेल्फ इमेज है वो बदल गया और इस तरह से जो उनकी लोकल हरकी थी वो सेंस्कटाइजेशन के थ्रू जो है वो इम्प्रूव हो गई एलिवेट हो गई और इन्होंने हायर स्टेटस को अचीव किया फिर नोनिया का कास्ट जो है यूपी में ये ट्रेडिशनली जो है वो सॉल्ट मेकिंग करते थे ब्रिटिश पीरियड में गवर्नमेंट के द्वारा सॉल्ट को प्रोड्यूस किया जाता था लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो है ये प्राइवेट अफेयर हो गया जिसके वजह से सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दुनिया कास्ट को मिलने लगे और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा धनी हो गए और यहाँ पे भी एलिवेट देखने को मिला उनके सोशल स्टेटस में लोकल कास्ट हायरकी में जो चमार्स ऑफ यूपी हैं इसके लिए एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अपोजिट है कि जो एरिया है आगरा के आसपास का वहाँ पे इन्होंने बहुत सारे इकोनॉमिक एक, प्रोस्पेरिटी तो कमाया बिकॉज ऑफ द लेदर प्रोफेशन और वो रिच भी हो गए लोकल एरियाज में लेकिन वो हायर कास्ट स्टेटस को नहीं अचीव कर पाए क्योंकि वो अनटचेबल्स थे तो ये केस स्टडीज थी संस्क्रटाइजेशन से रिलेटेड अब हम बात करेंगे यहाँ लिमिटेशन की तो श्रीनिवास ने एडमिट किया कि संस्क्रटाइजेशन एक कॉन्सेप्ट है ना कि बंडल ऑफ कॉन्सेप्ट है तो यहाँ पे मेजरली तीन मॉडल्स होते हैं ब्राह्मीण छत्रियाज और वैश्याज ओके और हर मॉडल के पास दो सब मॉडल्स हैं वहाँ पे एक रिचुअल्स को फॉलो करने वाले होते हैं और एक सेक्युलर होते हैं जो किसी भी रिचुअल को फॉलो नहीं करते हैं ये डिपेंड करता है लोअर कास्ट पे कि कौन सा मॉडल या सब मॉडल को फॉलो करना चाहते हैं तो ये लिमिटेशन देखने को मिलती है ऐसी दूबे ने बताया कि एक जनरलाइज पैन इंडियन संस्क्रटाइजेशन मॉडल जो है वो कंप्लीट इंडिया में यूज नहीं किया जा सकता है ड्यू टू द कॉम्प्लेक्स कल्चरल सीन्स इन द इंडिया क्योंकि इंडिया में बहुत सारी डाइवर्सिटी है और एक जनरलाइज पैन इंडिया संस्क्रटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेकर के हम कोई भी बदलाव नहीं ला सकते हैं योगेंद्र सिंह ने संस्क्रटाइजेशन को एज अ पैन इंडिया मॉडल जो है वो रिजेक्ट कर दिया और श्रीनिवास को क्रिटिसाइज़ किया कि इन्होंने नॉन संस्कृतिक ट्रेडिशंस को नेग्लेक्ट किया है तो ये लिमिटेशन थी सन्स्क्रटाइजेशन के कंक्लूजन की बात कर लेंगे कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जो लोअर या बैकवर्ड कास्ट है उनको इक्वल लीगल राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया और स्पेशल पॉलिटिकल प्रोविजंस दिए गए तो इस तरीके से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वलिटी का राइट right देता है और स्पेशल पॉलिटिकल प्रोविजंस भी प्रोवाइड कराई गई हैं लोअर कास्ट या बैकवर्ड क्लास के लिए तो इस तरीके से सन्स्कटाइजेशन जो है अब एक मेजर अट्रैक्शन नहीं रहा एक मेजर कॉन्सेप्ट नहीं रहा कि इसको यूज़ किया जाए और यहाँ पे हॉरिजेंटल सोलिडरिटी जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है वर्टिकल मोबिलिटी से तो ये था कंक्लूजन सन्स्कटाइजेशन का नेक्स्ट हम देखेंगे वेस्टर्नाइजेशन के बारे में तो एम एन श्रीनिवास ने ही ये कॉन्सेप्ट दिया था वेस्टर्नाइजेशन का उनके एक पेपर अ नोट ऑन द वेस्टर्नाइजेशन एंड सन्स्क्रिटाइजेशन जो कि 1956 में पब्लिश हुआ था और इसमें इन्होंने डिफाइन किया कि जो भी चेंजेस इंडियन सोसाइटी में या कल्चर में लाया गया है वो ब्रिटिश रूल थ्रू लाया गया है और यह डिफरेंट लेवल पर हमें डिफरेंटली देखने को मिलता है और यह टेक्नोलॉजिकल हो सकता है इंस्टीट्यूशन के थ्रू हो सकता है आइडियोलॉजी के थ्रू हो सकता है या वैल्यूज़ के थ्रू हो सकता है तो इस तरीके से वेस्टर्नाइजेशन ने एक न्यू स्टाइल ऑफ लाइफ को प्रेजेंट किया मेनली ब्रिटिश मॉडल और जो कि ओल्डर वन को रिप्लेस नहीं किया लेकिन उसमें कुछ एडिशंस किए कि जो भी इंडिया का लिविंग स्टैंडर्ड था लिविंग स्टाइल था उसको उसने चेंज नहीं किया लेकिन उसमें कुछ एडिशंस किए यहाँ पे अगर देखा जाए कि जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कौन है इस चीज़ के लिए तो जो सिटी डवेलर्स हैं जो शहरों में रहने वाले लोग हैं वो ज़्यादा वलनरेबल हैं एज़ कम्पेयर टू द विलेजर्स और एजुकेटेड और यूथ ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द अनएजुकेटेड एंड ओल्ड पीपल कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये एक मैटर है ड्रेस का डाइट का स्पीच का मैनर्स का और कुछ लोगों के लिए इंक्लूड करता है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एजुकेशन लिबरल आउटलुक साइंटिफिक टेंपर तो ये वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट था अब अगर हम देखेंगे कि योगेंद्र सिंह ने क्या बताया हुआ है इंडियन सोसाइटी पे इसके इम्पैक्ट के बारे में तो यहाँ पे देखा जाता है कि यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन हुआ है यहाँ पे ह्यूमनिज़म और रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिला अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिला यहाँ पे इंक्रीज नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन देखने को मिला फिर यहाँ पे नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ और यहाँ पे जो भी इंडिजीनियस ट्रेडिशंस थे वहाँ पे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला अब यहाँ पे हम इसके फीचर्स की बात करेंगे कि एज़ पर द एम एन श्रीनिवास जो वेस्टर्नाइजेशन है ये प्रमोट करता है संस्कृटाइजेशन को अगर एग्ज़ाम्पल लें कि आज के टाइम पर जो भी मॉडर्न कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज जो है इस्टेब्लिश की गई हैं वो माइग्रेशन लेवल को ग्रेटली इंक्रीज किया इन्होंने और इस तरीके से जो एक्सेलरेशन है सन्स्कटाइजेशन का लोअर कास्ट का बढ़ चुका है तो इस तरीके से सन्स्कटाइजेशन जो है वो लोअर कास्ट का बढ़ चुका है और ये जनरली माना जाता है कि हायर कास्ट जो है वो ज़्यादा इन्फ्लुन्सड है वेस्टर्नाइजेशन से और इस तरीके से उनमें जो है वेस्टर्नाइजेशन का इफेक्ट जो है हमें ज़्यादा देखने को मिलता है जैसे कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश में जो है वो ब्राह्मिस ने है जो है वो शूज़ पहनना एक सिंबल ऑफ स्टेटस को बताया लोअर कास्ट के लिए और इस तरीके से जो है हमें मिलता है बात करेंगे यहाँ पे मॉडर्नाइजेशन की तो स्मेल्सर ने बताया था कि जो मॉडर्नाइजेशन है या एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ चेंजेस हैं जो कि ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में पार्ट किया और यह हर सोसाइटी को इफ़ेक्ट किया डेनियल लर्नर ने 1964 में पांच डायमेंशंस बताए थे मॉडर्नाइजेशन के ये डायमेंसन्स थे टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक पोलिटिकल सोशल और साइकोलॉजिकल टेक्नोलॉजिकल में देखेंगे कि हम मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करेंगे इकोनॉमिक में देखेंगे ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी की बात करेंगे स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे कंज्यूमरिज्म की बात करेंगे पॉलिटिकल में पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इंडिविजुअलिज्म राइट्स की बात करेंगे सोशल में अर्बनाइजेशन लिटरेसी मॉडर्न एजुकेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है जो कि इनके कॉम्पोन हैं और साइकोलॉजिकल में हमें रेशनलिज्म और कॉस्मोपोलिटेनिज़म देखने को मिलता है कॉस्मोपोलिटेनिज्म क्या होता है कि एक आइडिया होता है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर मेम्बर्स ऑफ अ सिंगल कम्यूनिटी नेक्स्ट देखेंगे कि एम एन श्रीनिवास के हिसाब से जो मॉडर्नाइजेशन है अलॉन्ग विद द इज़ द वन ऑफ द थ्री कोर प्रोसेस बिहाइंड सोशल चेंज इन द इंडिया तो एम एन श्रीनिवास ने बताया कि तीन कॉन्सेप्ट हैं संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन ये सोशल चेंज के प्रोसेस हैं इंडिया में ऐसी दूबे ने बताया कि जो मॉडर्नाइजेशन है यह वेस्टर्नाइजेशन का जैसा नहीं है यह एक वैल्यू न्यूट्रल है वैल्यू न्यूट्रल का मतलब क्या हुआ मेकिंग नो जजमेंट एज टू वेदर समथिंग इज़ गुड और बैड लैकिंग द मॉरल और द एथिकल वायस तो इस तरीके से ये वैल्यू न्यूट्रल है यहाँ पे कोई भी वायसनेस देखने को नहीं मिलती है यहाँ पे कोई भी जजमेंट देखने को नहीं मिलता है किसी अदर कास्ट के लिए किसी अदर कस्टम के लिए जो भी आज के टाइम पे सोसाइटी डेवलप हो रही है वह एक मॉडल को अडॉप्ट कर सकती है अपने चॉइस और अपने डिमांड के हिसाब से जैसे इंडिया ने डेमोक्रेसी को चूज़ किया सेकुलरिज्म को चूज़ किया और फिर इन्होंने मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप किया ऐसे दुबे ने इस तरीके से अपने वर्क कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन जो कि 1974 में पब्लिश हुआ था उसमें इन्होंने बताया कि जो मॉडर्निटी है वह इंडियन कैरेक्टर में इंटर्ड हुई है इंडियन कैरेक्टर और सोसाइटीज़ में इंटर्ड हुई है लेकिन यह रिप्लेसमेंट के थ्रू नहीं बल्कि एसिमिलेशन के थ्रू हुआ है शन क्या हुआ कि एक प्रोसेस हुआ बाई विच अ माइनॉरिटी इंटीग्रेट सोशली कल्चरली पोलिटिकली इंटू अ लार्जर डोमिनेंट कल्चर एंड द सोसाइटी इस तरीके से एस सी दुबे ने अपने बुक में ये कॉन्सेप्ट बताया था तो आज के लेक्चर में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो जय हिंद